नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 39,909 पे और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से लगभग 92 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने यहां पे क्लोज किया है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो पिछले तीन दिनों से यानी बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार लगभग लगभग एक ही लेवल के आसपास इसी 50-100 पॉइंट के अंदर में हम कंटिन्यू क्लोज कर रहे हैं, जबकि गुरुवार के सेशन में हमने 39,600 का लो लगा के भी इसी लेवल के आसपास हमने क्लोजिंग लगभग 40,000 के आसपास जाके हमने क्लोजिंग की। तो इस लेवल के आसपास कंटिन्यू पिछले तीन दिनों से हम क्लोज कर रहे हैं। अगर क्लोजिंग से देखेंगे तो डेली चार्ट पे ये सबसे वीकेस्ट क्लोजिंग यहाँ पे कंटिन्यू आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इस लेवल के बाद में ये जो लेवल है 40,400 के नीचे का, इसके बाद से हमने सबसे वीकेस्ट क्लोजिंग ये देनी स्टार्ट की है, जो कि कंटिन्यू तीन दिनों से हम इसी के नीचे क्लोज कर रहे हैं बैंक निफ्टी पे। अगर बैंक निफ्टी, ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी में, वो मिलेगा 39,400 के आसपास, क्योंकि 39,400 ये कैंडलों का लो है, तो इसके लिए ये एक छोटा सा सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी ने 39,400 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट किया तो मेरा टारगेट यहाँ पे लगभग 38,200 का पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद जो टारगेट निकल के आएंगे वो 37,700 के टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें डेली चार्ट पे 39,400 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, तो ये 1200-1300 पॉइंट आपको बहुत फास्ट नीचे की साइड में बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। अगर बैंक निफ्टी एक दो दिन यहाँ पे होल्ड कर ले इसी लेवल के आसपास, अगर होल्ड कर ले तो होल्ड करने के बाद मान लीजिए 40,400-39,800 के बीच में अगर ये दो तीन दिन और होल्ड करता है और उसके बाद जिस साइड में भी ऊपर या नीचे जिस साइड में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, आपको ये 1000 पॉइंट की मूवमेंट आपको बहुत फास्ट मिलने वाली है। अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड में आपको 1000 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी, अगर नीचे ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में 1000 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। बस ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अगले दो तीन दिन ये किस तरीके से क्लोज करता है। इसी फ्लो को अगर कंटिन्यू करता है तो ये ध्यान रखिएगा पहला टारगेट यहाँ पे 39,400 है, इसके नीचे की क्लोजिंग फिर 38,200-38,600 ये लेवल आपको देखने को फिर नीचे की साइड में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी जो है वो लेवल ये सपोर्ट लेवल के आसपास में ही है। तो चलिए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा मंडे ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, लायंस ब्लू, फायर, एसईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर कंटिन्यू देखेंगे तो चार्ट पे कंटिन्यू हम नीचे की साइड में यहाँ पर धीरे धीरे करके नीचे ही आ रहे हैं, प्राइजेक्शन नीचे का ही यहाँ पर बनते हुए जा रहा था बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी है वो 39,900 के आसपास दी है और हमने लगभग 38,000 के आसपास का 39,800 के आसपास का हमने लो भी लगाया हुआ है। अब इंट्राडे के लिए कल के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज है वो ध्यान रखिएगा कि अगर हम 40,000 और 39,800 के बीच में कहीं पे ओपन होते हैं, 40,000 के नीचे ओपन हो, 39,800 के ऊपर ओपन होते हैं, यानी इस 200 पॉइंट की रेंज में ओपन होते हैं, यानी हम 39,800 से नीचे ओपन ना हो और ऊपर 40,000 से हम ऊपर ओपन ना हो, अगर इस जोन के बीच में हम ओपन होते हैं और ओपन होने के साथ में हमने यहाँ पे अगर 15 मिनट की या मान के चलिए कि 5 मिनट की हमने 4-5 कैंडलें भी बना ली, मतलब इसके अंदर में अगर हमने 15-20 मिनट भी टाइम निकाल लिया ना, 15 से 20 मिनट टाइम अगर हमने इसके बीच में निकाल लिया, किसके बीच में 39,800 से लेकर के 40,000 के बीच में अगर हमने 15-20 मिनट का टाइम निकाल लिया और उस 15-20 मिनट के टाइम निकालने के बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट करता है 40,000 के ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन हम बना सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट रहेगा लगभग 40,133, उसके बाद 40,255 और उसके बाद 40,377, ये तीन टारगेट आपको ऊपर की साइड में निकल के आएंगे अगर हम 40,001 के ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। कब? कम से कम 15-20 मिनट के बाद। ओपनिंग हमारी इस रेंज से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी 40,000 के ऊपर हमारी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए और 38,800 के नीचे हमारी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। इस रेंज के बीच में ओपन होने के बाद अगर हम ये लेवल निकालते हैं तो 40,133, 40,255 और 40,377 ये लेवल हमें ऊपर की साइड को देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इस यही टाइम 15-20 मिनट, देखिए 15-20 मिनट टाइम बिताने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, अगर यही 15-20 मिनट का टाइम बिताने के बाद हम नीचे की साइड में यहाँ पर ब्रेकडाउन करते हैं,
ये रेंज है हमारी, इसी रेंज के बीच में हम ओपन होते हैं। 15-20 मिनट टाइम बिताने के बाद हम ब्रेक करते हैं, 39,800 के लेवल को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे हमें टारगेट मिल सकते हैं 39,666 रही है, ठीक है, 39,666, 39,555 एंड 555 का, और उसके बाद 39,400 जो मेरा लास्ट सपोर्ट है वहाँ तक फिर बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर हम इसी जोन में कहीं पे ओपन हो के ऊपर या नीचे निकलते हैं 15-20 मिनट के बाद, टाइम ध्यान रखिएगा 15-20 मिनट के बाद अगर निकलते हैं तो एक अच्छा मोमेंट आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड में से देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए हम गैप डाउन ही ओपन हो गए 39,600, 39,500 के आसपास, तो वहाँ पे हम इंतजार करेंगे प्राइज एक्शन का कि प्राइज एक्शन किस तरीके से मूव करेगा, प्राइज एक्शन के बाद फिर हमारा ट्रेड बनेगा। बिना प्राइज एक्शन या रेंज के वहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो ध्यान रखिएगा 40,400 और 40,500 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस बीच में अगर कहीं पर ओपन हो तो जरूरी नहीं है कि ट्रेड लेना ही है, ज़बरदस्ती घुसना नहीं है, शांति से थोड़ी देर बैठे रहेंगे ना तो मार्केट आपको खुद ट्रेड देगा। अगर इस जगह के बाद हम कोई रेंज बना के नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं ना, तो वापस फिर से हम 40,000 के आसपास तक आ सकते हैं। या हम गैप अप ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद में मान लीजिए पहले दूसरी तीसरी कोई कैंडल 5 मिनट की अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए, तो उस कैंडल के नीचे हमें एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को नीचे की साइड में मिल सकता है अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो। गैप अप ओपन होने के बाद में प्राइस एक्शन ऊपर की साइड का बनेगा तो भी मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। ऊपर की साइड में मैं तभी इंटरेस्टेड रहूँगा जब मार्केट टाइम बिताएगा 1-1.5 घंटे। गैप अप ओपन होने के बाद 1-1.5 घंटे टाइम बिताने के बाद मार्केट अगर रेंज को निकालता है तो ऊपर की साइड में मैं छोटी क्वांटिटी बाइंग करूँगा, नीचे की साइड में जो क्वांटिटी में मुझे कंटिन्यू मैं लेते रहता हूँ वो क्वांटिटी यहाँ पर बाइंग करूँगा, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है तो डाउन साइड में हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर टाइम बिताया ऊपर निकला तो छोटी क्वांटिटी के साथ में हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मार्केट को 1-1.5 घंटे टाइम बिताने दीजिएगा, क्योंकि ओपन हुआ प्राइजन बनाया तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे ऊपर की साइड, नीचे की साइड में प्राइजन बनाएगा तो आपको अच्छा पैसा देके जाएगा। ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए, ये अगर 700-800 के पास में गैप डाउन भी ओपन होता है और उसके बाद नीचे का प्राइजन बनाता है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 400-500 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी फिर प्राइजन को नीचे की साइड का फॉलो नहीं करेंगे, ऊपर की साइड का प्राइजन बनेगा तब हम उसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। हाँ।